जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। दोपहर के लंच में देखिए लाला के लिए क्या क्या है। ये है मूली और टमाटर का सैलेड, ये पेड़ा, दाल चावल। आज फ्रेंड्स मैं आपको जब तक कि लाला की सेवा होगी तब तक का पूरा अपडेट दूंगी, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है तो शाम को भोग प्रसाद तो लगेगा नहीं, कुछ सूखा ड्राई आइटम ही उनके साथ रख दूंगी। इसलिए जब तक उनको मैं सुलाऊंगी या तो जब तक का सेवा करूंगी तब तक का पूरा अपडेट आज आपको दूंगी कि मैं लाला के साथ कैसे करती हूँ। चलिए लाला के भोग के दर्शन कीजिए और लाला को भोग लगाते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनाना चाहिए था और मेरे पास इस समय व्हाइट कलर का ड्रेस नहीं था, तो मैंने लाइट कलर ही पहना दिया लाला को। लाला का भोजन हो गया। बाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। अब मैं मिलती हूँ आपसे 3:30 बजे जब लाला को सुलाऊंगी। बाय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, लाला की आरती करूँगी और थोड़ी देर बाद मैं फिर इनको सुला दूँगी, क्योंकि 4 बजे से सूतक काल चालू हो जाएगा। देखिए मैं अपने लल्ला को किस तरह सुलाऊँगी, कैसे आरती करूँगी। मैं क्लीन कर दूँगी, ये मैंने सारे फ्लावर्स हटा लिए हैं पूजा घर से। अब भोग के लिए मैंने इसमें थोड़े से काजू, बादाम और मखान, मतलब ड्राई फ्रूट और नमकीन बिस्किट रखा है, और इसमें तुलसी पत्ती डाल देंगे। ये तुलसी पत्ती डाल दिया। और पीने के लिए जल, अब ये कल लल्ला के पास ही रहेगा। जल में भी मैंने तुलसी पत्ती डाल दिया है। अब आरती कर देंगे, इसको मैं ढक के रख दूंगी आरती के बाद। आरती अभी आधा घंटा पहले कर लेती हूँ कि 3:30 बजे तक मैं लल्ला को अपने सुला दूँ। आरती हो गई है फ्रेंड्स, लल्ला को ड्राई फ्रूट रख दिए है। अब थोड़ी देर में आऊँगी तो मैं लल्ला को सुला दूँगी। अब ये सीधे सुबह ही मॉर्निंग में उठेंगे। अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों से। फ्रेंड्स अभी लल्ला का प्रसाद इसी जगह पे ढक के रख देंगे, आप लल्ला को सुला देंगे। बंद कर दो। आप लाला को सुबह ही सीधे उठाएंगे। पूरी तरह से ढक देंगे कि चंद्र ग्रहण का असर मेरे लाला को ना पड़े। इसे आपको सुला दे रहे हैं। फ्रेंड्स इतना ही प्रोसीजर था जो मैंने पूरा कर दिया, आप लोग भी इतना ही प्रोसीजर कर दीजिएगा।